नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस सांगोत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो पीटीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरे गए हैं, कब इसके एग्ज़ाम डेट है। हालांकि एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको पहले से ही पता है। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर पे अपन को कॉलेज मिल सकता है, साइंस वाले स्टूडेंट हो वो कितने नंबर पे कॉलेज मिल सकता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो वो कितने नंबर पे कॉलेज मिल सकता है और किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाएगी, उन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगभग टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो लगभग 5 लाख है। 5 लाख स्टूडेंटों ने पीटीटी का फॉर्म भरा है राजस्थान के अंदर, जिसमें दोस्तों 3 से 3.5 लाख जो स्टूडेंट हैं वो 2 साल की बीएड वाले हैं, यानी जिन्होंने बीए कर रखा है और बीए के बाद वो बीएड करेंगे, उनके 3 से 3.5 लाख फॉर्म भराए में आए हैं। और 1 से 1.5 लाख जो फॉर्म भराए में आया है वो 12th वाले स्टूडेंटों के भराए में आए हैं, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं। बीएससी बीएड वालों की कट ऑफ क्या जाती है, बीए बीएड वालों की कट ऑफ क्या जाती है और जो 2 साल की बीएड करना चाहते हैं उनकी कट ऑफ क्या जाती है, उसके बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भराए में आए दोस्तों लगभग 5 लाख भराए में आए हैं। कट ऑफ मार्क्स जो जाता है दोस्तों, साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो बीएससी बीएड जो करना चाहते हैं उनकी कट ऑफ 400 प्लस नंबर जाएगी, यानी 600 नंबर का पेपर होगा और 600 नंबर में से आपको 400 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको आपके एरिया का कॉलेज मिल जाएगा। जिस एरिया में आप रहते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, किसी भी ज़िले में रहते हो, जिस ज़िले में आप रहते हो उसका कॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जब आपके 400 प्लस नंबर आएंगे। दोस्तों, आसानी तभी होएगी जब आपको कॉलेज आपका एरिया का मिल पाएगा। अगर आपके एरिया के अलावा दूसरी जगह का कॉलेज आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको खर्चा भी ज़्यादा आएगा, रहने खाने का खर्चा अलग एक्स्ट्रा आएगा, और अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहते तो डोनेशन वगैरह भी आजकल कॉलेज वाले लेते हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है, यदि आपको आपके एरिया का कॉलेज मिल जाए तो वो सबसे बेटर काम है। तो जो बीएससी बीएड करना चाहता है उनकी कट ऑफ जाएगी 400 प्लस नंबर 600 में से। अब तक की जो कट ऑफ आई है उनके आधार पर ही एनालिसिस किया गया है। और दोस्तों, जो बीए बीएड करना चाहते हैं उनकी कट ऑफ 370 प्लस जाएगी, यानी 370 प्लस नंबर उनके आते हैं तो उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। और जो 2 साल की बीएड वाले हैं उनकी भी कट ऑफ आप 400 प्लस नंबर मान के चलो, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज, अपने एरिया का कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो आपके एग्ज़ाम डेट है वो 21 मई है और आज 24 अप्रैल हो चुके हैं। 24 अप्रैल लगभग एक महीने का समय भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हालांकि कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में भी अपनी सेशन में बात करेंगे। और स्टडी जोन क्लासेस सांगोत के प्लेटफॉर्म पर जो ऑफलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है उनका टाइम क्या है, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी फैकल्टी है, इसके बारे में भी अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट 21 मई है, आपके एडमिट कार्ड जो है वो 15 मई के बाद आ जाएंगे और आपका सेंटर आपके ज़िले में आएगा। 2 एग्ज़ाम सेंटर इस फॉर्म में भरवाए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट भरवाए हैं, तो एक तो आपने आपका ज़िला भरा होगा और एक दूसरा भरा होगा। तो जहाँ तक संभावना है सेंटर अपने ज़िले में ही आता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों के 50 क्वेश्चन आएंगे। जिसको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं वो हिंदी के क्वेश्चन कर सकता है। हिंदी जो आप 10वीं 12वीं में पढ़ के आए हो वही हिंदी यहाँ पे आती है, कुछ एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा भी टीचरों को द्वारा बता दिया जाता है। और इंग्लिश दोनों में से आप किसी भी एक सेक्शन का पेपर कर सकते हो, या तो इंग्लिश के कर सकते हो 50 क्वेश्चन या हिंदी के कर सकते हो 50 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों जो रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के आते हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी 150 नंबर के आएंगे। जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको रीजनिंग टफ लगती है, तो रीजनिंग की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करनी चाहिए तभी अपना सिलेक्शन हो सकता है। अगर रीजनिंग अपन ने स्ट्रॉन्ग नहीं करी तो अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो करती है इस एग्ज़ाम के अंदर वो रीजनिंग करती है, तो रीजनिंग को अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इंडिया जीके प्लस राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स, करंट जीके जो होती है, इसके मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और 2-4 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर भी 2-4 चैप्टर मैथमेटिक्स के भी आते हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज, औसत,
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न, तो वह भी यहाँ पे पीटीटी के एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अपन बीएसटीसी की भी बात करेंगे। बीएसटीसी के जो फोरम है वो 5 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, वो लास्ट डेट 30 मई रहेगी, और बीएसटीसी का जो पेपर रहेगा वो अगस्त में रहेगा। तो अपने यहाँ जो स्टडी जोन क्लासेस सांगोद हैं जो कि कोटा ज़िले के अंदर है, यहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है बीएसटीसी पीटीटी के, उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके भी 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, टोटल 600 नंबर का आपका पेपर आएगा। ये तो बात होगी टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने आए हैं और क्या कट ऑफ इनकी जाएगी, इसके बारे में मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं ऑफलाइन क्लासेस, जो स्टडी जोन क्लासेस सांगोद का प्लेटफॉर्म है जिसका एड्रेस है होलिका चौक उपाध्याय मोहल्ला सांगोद, वहाँ पर बीएसटीसी पीटीटी का बेच चालू कर दिया है। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहता है वो स्टडी जोन क्लासेस सांगोद होलिका चौक उपाध्याय मोहल्ले में आगे शानदार तैयारी कर सकता है। 7 दिन की डेमो क्लासेज यहाँ फ्री है, 7 दिन तक आप पढ़ के देख सकते हो। बेस्ट फैकल्टी टीम सांगोद की अपनी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही है, और जब आप 7 दिन के डेमो क्लासेज लेकर देखोगे तो आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कैसी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है, वो शानदार फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है। और जो सांगोद एरिया के हैं और जो कोचिंग करना चाहते हैं तो ये स्टडी जोन क्लासेस सांगोद का जो यूट्यूब चैनल की शुरुआत जो अपन आज से कर रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई सेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इस चैनल पर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के बारे में डिटेल अच्छे से दी जाएगी, सब कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, सभी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो चाहे सांगोद के स्टूडेंट हो या सांगोद के बाहर के हो, कोटा के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम से ओरिएंटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रदान की जाएगी। और जो सांगोद का स्टूडेंट हमारा, वह इस एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि जो भी क्लासेस की सूचना होती है कब यहाँ पे क्लासेस चालू की जाएगी, हालांकि बीएसटीसी पीटीटी क्लासेस तो यहाँ स्टार्ट होगी, साथ ही साथ स्टडी जोन क्लासेस सांगोद के प्लेटफॉर्म के क्लास 8 से क्लास 12 की क्लासेज भी संचालित की जाती है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको उस पर मिल जाएगी। कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म निकल रहा है, लास्ट डेट क्या है, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है सांगोद का वो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, 5 दिन की डेमो क्लासेस फ्री है, और आपको क्लासेस से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, 811-229-1883, तो ये नंबर आप सेव कर सकते हो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, पीटीटी का पेपर तो 21 मई को है और 1 महीने का लगभग समय अपने पास बचा हुआ है। अब जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट की भी अपन बात करेंगे, जो 12th साइंस मैथ्स से बायोलॉजी मैथ्स से करके आए हैं, वह हिंदी इंग्लिश तो आराम से कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश वो 12वीं में पढ़ के भी आते हैं, 10वीं में पढ़ के भी आते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिया जी के और राजस्थान जी के में आती है, क्योंकि आर्ट्स के टॉपिक है और आर्ट्स के टॉपिक को पढ़ने में साइंस वालों को दिक्कत आती है। लेकिन अपने यहाँ पर जो धुरंधर फैकल्टी पढ़ा रही है, राजस्थान जी के अलग टीचर पढ़ा रहा है, इंडिया जी के अलग टीचर पढ़ा रहा है, वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे जीके याद की जाती है उसके ट्रिक के माध्यम से बहुत शानदार तैयारी इन दो सब्जेक्ट की करा देंगे। रीजनिंग में खुद पढ़ा रहा हूँ तो शानदार तरीके से आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी, हालांकि बहुत से स्टूडेंट जो हमारे सांगोद के हैं उनके मैं रीजनिंग की डेमो क्लासेज ऑलरेडी उनके मोबाइल नंबर पर भेज चुका हूँ, लेकिन अगर कोई बच भी गया होगा तो इस चैनल पर भी अपने रीजनिंग की क्लासेज अपलोड की जाएगी डेमो के रूप में, कुछ क्लासेज कुछ चैप्टरों की, तो आप उनके माध्यम से भी समझ सकते हो। रीजनिंग का डेमो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन क्लासेस तो आके ले सकते हो। 4 घंटे की यहाँ पे क्लासेस चलती है, क्लासेस का जो टाइम है दोस्तों वह 2 PM से 6 PM है। जो अपनी क्लासेस का टाइम है ऑफलाइन क्लासेस का वह 2 बजे से 6 बजे तक का है। अब बहुत से स्टूडेंटों का इश्यू आ रहा है कि सर आपने जो टाइम रखा है वह 2 से 6 का रखा है, इसे सुबह का रख दो। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वह कॉलेज में भी पढ़ाने जाते हैं, स्कूलों में भी पढ़ाने जाते हैं, तो सुबह के टाइम वो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, तो अपना जो बैच है वो सुबह के टाइम नहीं बैठ सकता, अपना जो बैच रहेगा वो शाम को रहेगा, और बहुत धुआंधार तैयारी आपके यहाँ की जाएगी। 2 PM से 6 PM क्लासें यहाँ पे संचालित है, जिसको भी पढ़ना है वो आके क्लासें लेके देख सकता है, मेरी गारंटी है दोस्तों,
बहुत शानदार मैटर आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे सीटें भी आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उन सीट के माध्यम से प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से कर सको, क्योंकि जहाँ तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ तक एग्ज़ाम फाइट नहीं हो सकता। तो जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चनों की सीट भी आपको मिलेगी, जिसमें BSTC PTT के पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन भी है और कौन कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं वह भी उसमें दिए हुए हैं। तो आपकी बहुत शानदार तरीके से सांगोथ के सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की करवाई जाएगी, ठीक है। और बीच बीच में आपको इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये PTT एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, कितने फॉर्म भराए हैं, कब एग्ज़ाम डेट है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कितनी कट ऑफ जाती है। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट तो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी टीचरों के द्वारा ट्रिक के माध्यम से और अच्छे करा दिए जाएंगे। आर्ट्स के विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम आती है वह रीजनिंग में आती है, तो रीजनिंग एक नंबर यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी। और डेमो क्लासेस के माध्यम से आपने देख भी लिया होगा किस प्रकार से रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जो भी हमारे सांगोथ के विद्यार्थी है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि BSTC PTT से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रदान की जाएगी। और भविष्य में जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो काउंसलिंग की सूचना भी उस ग्रुप में भी दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से भी दी जाएगी। और काउंसलिंग करने के बाद जब आप BSc BEd कर लोगे या BA BEd कर लोगे या BEd कर लोगे, तो जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रेड का, SSC का या बैंक का, रेलवे का, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हो, उन सब की सूचना भी इस चैनल पर, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान की जाएगी। तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कोई भी सूचना हो, कोई भी पूछना हो आपको, कुछ भी बात पूछनी हो, कोई कंसेप्ट पूछना हो, कुछ बातें इनमें से समझ में नहीं आई हो या कोई भी डाउट हो, तो आप उस ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका सब कुछ समस्या क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी डाउट आपके थे वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। राजस्थान GK बहुत शानदार टीचर अपने यहाँ पे हैं, इंडिया GK अलग टीचर है वो भी शानदार है, हिंदी की एक मैम पढ़ाती है जो कि बहुत शानदार कंसेप्ट क्लियर कराती है, साथ में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाती है। तो एक बार आप स्टडी जोन क्लासेस सांगोद में ज़रूर पधारें 2 बजे से 6 बजे के बीच, और 7 दिन के डेमो क्लास जरूर लेके दोस्तों मेरी गारंटी है राजस्थान के अंदर बेस्ट तैयारी आपकी इस स्टडी जोन क्लासेस सांगोद के प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी डाउट आपके मन में चल रहे थे, जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रहा था, वो क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, बेस्ट ऑफ लक।